पता नहीं मुझे याद नहीं था, गुरुजी ने जो करवाना था वो सुना था। ये लोग सारा को सबसे वहां पहुंचे, वहां पे वही अंकल आए थे जिनके साथ ये सत्संग, मतलब जिनका सत्संग मेरे मॉर्निंग में बोला था, वही अंकल आए थे जब गुरुजी छोले में तो उनको मान सौ हजार से रोके थे। मेरी भाभी ने आकर उसे दांत ने कहा कि बहनी जो आपने सुबह सत्संग शुरू किया वही अंकल आए थे, गुरुजी जब गली गए थे गुरुजी छोले में थे और वही आपके सत्संग में आपके भैया से बोला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और गुरु उसी दिन गुरुजी ने मुझे, आपने तो पता नहीं यहाँ पे चर्च में भी सत्संग हो रहा था, सबसे पहले मैं समझा मुझे आया था, मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं सत्संग नहीं है, फिर मुझे दिखाई दी उसे जल आ रहा है ड्रॉप आ रहा है, तो मैंने सोचा कि गुरु जी ने कहा कि फैमिली का एक भी मेंबर चला गया तो घर के सारे लोग बेस हो गए और मुझे कोई कुछ भी बोले चाहे कुछ भी करे, आज ऐसा टाइम है कि मेरा सिर्फ गुरु जी से ही कनेक्शन है, बाकी और किसी से कनेक्शन नहीं है। बात ये करती हूँ और ये बात है कि गुरु जी के पास पता है कि एक बार मैं मुझे जिंदगी दी है गुरु जी ने, मैं मां की बच्ची हूँ और दो बार मेरे पापा को ब्लेस किए और मुझे पता है कि गुरु जी क्या क्या सेवा मेरे से करा रहे हैं, क्या क्या नहीं करा रहे गुरु जी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बेहद शुक्राना पा रहे। गुरु जी की कृपा से यह सत्संग राज अंकल आलमबाग के घर में संपन्न हुआ और आपने देखा कि गुरु जी का चमत्कार और गुरु जी का आशीर्वाद, एक लेडीज़ को नया जीवन दान मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी।